नमस्कार, मैं नितेश पटेल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अवेद ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर 12th में भी पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है, सेकंड ईयर में ही पढ़ना है। तो यहाँ आज थोड़ी सी अगर हम बात करें तो ये एक बेसिक तरीका से काम करेगा, ठीक है, एक बेसिक नॉलेज देगा। उसके बाद हम 11th और 12th दोनों चीज़ को, दोनों जो चैप्टर में चीज़ दिया हुआ है उसको हम अच्छी तरीका से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन ये काम कैसे करता है, उसके बाद हम लोग जाएंगे। क्लियर हुआ? रिलेशन, संबंध, अगर हम संबंध शब्द की बात करें तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे जगहों पे इस शब्द का इस्तेमाल होता है, संबंध का इस्तेमाल होता है। जैसे एक पिता का पुत्र के साथ या पुत्र का पिता के साथ, भाई बहन, माता पुत्री या पुत्र, या इसी तरह से कई बहुत सारे ऐसे रिलेशन हैं जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। गणितीय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो गणितीय क्षेत्र में भी कुछ रिलेशन का इस्तेमाल होता है, जैसे कि एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है या छोटी है, एक रेखा दूसरी रेखा के समपाती है या समानांतर है, तो कुछ इस टाइप के ये संबंध होते हैं। लेकिन हम लोग जो संबंध के बारे में यहाँ पढ़ना है, जिस संबंध के बारे में चर्चा करना है, ये संबंध कुछ इस टाइप से नहीं है जो अभी हम लोगों ने देखा या पढ़ा। हम लोगों को जो इसमें संबंध के बारे में पढ़ना है, ये संबंध एक सेट पे काम करता है, एक सेट का दूसरे सेट के साथ कैसे कैसे उसको रिलेट करेगा, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ चर्चा करना है। ठीक है, जो हमारे दैनिक जीवन में संबंध इस्तेमाल होते हैं या गणितीय क्षेत्र में जो संबंध इस्तेमाल होते हैं, इस संबंध को हम लोगों को चर्चा बिल्कुल नहीं करना है। हम लोगों को जो रिलेशन पढ़ना है, ये रिलेशन एक सेट पे काम करेगा, उसको हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो इस संबंध को जानने से पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इसको कहते हैं कार्तीय गुणन। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, अगर हम मान लें कि एक सेट ए है जिसमें तीन एलिमेंट, मैं समझने के लिए सेट को आसान उदाहरण ले रहा हूं सेट का। ठीक है, एक सेट बी है दो ही एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा। तो एक सेट ए है जिसमें तीन एलिमेंट, एक सेट बी है जिसमें दो एलिमेंट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हुआ ए क्रॉस बी, यानी ए गुणे बी। ए क्रॉस बी हम निकालेंगे कैसे, तो ए क्रॉस बी का मतलब है ना कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, जिसको बोलेंगे अडर्ड पेयर, यानी क्रमित युग्म। ठीक है, ए क्रॉस बी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी के साथ, तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट यानी ए का हम बनाएंगे इन दोनों के साथ, मतलब ए वन ए टू, फिर बी का बनाएंगे दोनों के साथ बी वन बी टू, सी का बनाएंगे दोनों के साथ सी वन सी टू, और इसको हम फिर ये ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो ए क्रॉस बी एक सेट बन गया। ये जो हुआ, ये जो प्राप्त हुआ, इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम प्रत्येक पे बात करें, ये ए क्रॉस बी, ये पूरा
एक सेट मिल रहा है, ठीक है, और ये सारे इसके एलिमेंट हैं। प्रत्येक की अगर बात करें तो प्रत्येक एक क्या होता है, एक जोड़ा के रूप में है, A1, A2, B1, B2, C1, C2, एक पेयर के रूप में है। और इस पेयर में दो हिस्से हैं, एक ये हिस्सा और एक हिस्सा, यानी पहला ये दूसरा, इसको बोलते हैं हम कंपोनेंट यानी घटक, ठीक है। ये प्रथम, ये द्वितीय। अब प्रथम द्वितीय मैंने इसलिए कहा कि जो पहला होगा वो पहले वाले सेट से लिया जाएगा, जो दूसरा होगा वो दूसरे वाले सेट से लिया जाएगा। अब ऐसा इसको हम नहीं पढ़ लेंगे कि ए बी से है और वन ए से है, ये कभी संभव नहीं है। ए क्रॉस बी का मतलब है कि पहले ए है तो जोड़ा का पहला ए का एलिमेंट होगा, मतलब यहाँ कि जो पहला है, ठीक है, ए बी सी, ये किसके एलिमेंट होंगे, ए के एलिमेंट होंगे ये तीनों। फिर यहाँ दिखाई भी दे रहा है, वन टू किसके एलिमेंट होंगे, बी के होंगे। तो बी सेकेंड पे है तो जो सेकेंड वाला हिस्सा होगा ये सेकेंड, ये बी का होगा, और जो पहला वाला होगा वो ए का होगा। अगर इसको हम पलट के गुणा कर दें, पलट के यानी बी क्रॉस ए निकाल दें, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, तो क्या होगा, बी क्रॉस ए का मतलब कि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट का ए के साथ, तो एक का बनाएंगे ए के साथ, एक का बनाएंगे बी के साथ, एक का बनाएंगे सी के साथ, दो का बनाएंगे ए के साथ, दो का बनाएंगे बी के साथ, और दो का बनाएंगे सी के साथ। फिर मैंने ये इसको एक सेट बना दिया, इसमें भी उतना ही एलिमेंट होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें भी छः, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या देखना है कि जो पहला होगा, ये प्रत्येक युग्म का जो पहला होगा वो बी से होगा और जो सेकेंड वाला होगा ए से होगा। अगर दोनों पे गौर करें, क्या ये दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है और कभी संभव भी नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि ए क्रॉस बी का जो पेयर बनेगा उसमें जो पहला होगा वो सेट ए से होगा, दूसरा होगा सेट बी से होगा, जबकि बी क्रॉस ए में जो बनेगा उसका पहला होगा बी से और दूसरा होगा ए से। लेकिन दो युग्म यानी पेयर बराबर होंगे यदि, ठीक है, दो युग्म बराबर होंगे यदि, ये बराबर कब होंगे, जब दोनों का प्रथम घटक बराबर हो और द्वितीय घटक द्वितीय से बराबर हो, जैसे कि एक्स वाई और बराबर पाँच और चार, ये दोनों पेयर हैं। ये दोनों बराबर कब होंगे, जब दोनों का प्रथम यानी प्रथम ये है तो प्रथम ये है, यानी एक्स पाँच के बराबर हो जाए और वाई चार के बराबर हो जाए। अगर ये कंडीशन है तो ये दो पेयर बराबर हो सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको लागू करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दो पेयर बराबर कब होंगे, जब दोनों का प्रथम प्रथम के साथ और द्वितीय द्वितीय के साथ, ठीक है। ये प्रथम प्रथम द्वितीय द्वितीय, ठीक है। प्रथम ये हो गया फर्स्ट, और ये फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड ये हो गया, क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या बना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। अब यहाँ अगर हम नंबर की बात करें, ठीक है, अगर इसमें चाहे इसमें दोनों का नंबर तो सेम है, अगर हम नंबर की बात करें, ए क्रॉस बी का नंबर क्या होगा, मतलब एन ए क्रॉस बी का नंबर क्या होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सेट ए में, ठीक है, सेट ए में कितने एलिमेंट है, तीन। सेट बी में कितने एलिमेंट है, दो। तो फिर एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो एन ए क्रॉस एन बी, यानी ये तीन और ये दो, कितना, छः। यानी एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए, छः एलिमेंट होंगे। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, ए क्रॉस बी तो ए के एलिमेंटों का नंबर, बी के एलिमेंटों का नंबर, दोनों को गुणा कर देंगे तो एन ए क्रॉस बी का नंबर निकल जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना। कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना इसलिए ज़रूरी था कि जो रिलेशन होता है वो रिलेशन
कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब तक हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को नहीं समझ पाते हैं कि एक सेट का दूसरे सेट के साथ कैसे गुणा होता है, तब तक हम लोग रिलेशन समझ में नहीं आता है। क्लियर हुआ? अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं रिलेशन पे। ठीक है, रिलेशन, पहले तो रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पहले इसको देख लेते हैं। अगर मैंने शुरू में ही कहा कि जो हमारे दैनिक जीवन में रिलेशन प्रयोग होते हैं उसको भी नहीं पढ़ना है, गणित में भी कुछ रिलेशन होते हैं उसको भी नहीं पढ़ना है, यहाँ हम उस रिलेशन की बात करें जो एक सेट से दूसरे सेट पे लागू होता है या एक सेट का खुद पे ही लागू होता है। ठीक है, तो इसको हम बात कर लेते हैं रिलेशन को। ठीक है, तो एक मान लेते हैं एक सेट ए है, इसमें ए बी सी तीन एलिमेंट। एक सेट बी है, इसमें चार एलिमेंट, चाहे दो एलिमेंट ले लेते हैं आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां रिलेशन अब ये बन सकता है ए का बी के साथ, ए का बी के साथ दूसरा बन सकता है बी का ए के साथ, मतलब ए बी के साथ रिलेशन बना सकता है या बी ए के साथ रिलेशन बना सकता है। तो हम फिलहाल में कोई एक लेकर चलेंगे, यानी ए का बी के साथ एक ही लेकर चल रहे हैं। तो अगर ए बी से रिलेशन बना रहा है, ठीक है, एक ये होता है, एक इस टाइप से एक गुण प्रकटीकरण जो विधि होता है जिसे हम डायरेक्ट भाषा के तौर पर लिख देते हैं उस टाइप से भी होता है, या ए ऐसे भी होता है, या ए आर बी। ठीक है, हम इन तीनों में से किसी भी चीज का इस्तेमाल करके रिलेशन को शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है तो या तो ऐसे, नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे। अब रिलेशन क्या है उसको समझ लेते हैं। पहले यहां हम क्या कर लेना है, अगर ये ए का बी के साथ है, मतलब रिलेशन ए टू बी, तो यहां हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए का बी के साथ है तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए वन होगा, ए टू होगा, ठीक है, बी वन होगा, बी टू होगा, सी वन होगा, सी टू होगा। ये हमारा ए क्रॉस बी निकल गया। ठीक है, अब हम रिलेशन की बात करें तो प्रत्येक को अगर देखा जाए, अगर हम इस पेयर की बात करें तो हम ये तो कह सकते हैं कि ए एक के साथ रिलेशन बना लिया है, ए दो के साथ रिलेशन बना लिया है, बी एक के साथ, बी दो के साथ, फिर सी भी वैसे ही सब रिलेशन बना लिया है। मतलब कि जितना भी इसमें ये पेयर मिल रहा है, ये एक तरीका से देखा जाए तो ये सारा का सारा क्या है, तो एक रिलेशन बन रहा है, एक जोड़ा बना हुआ है, वही एक रिलेशन होता है। लेकिन अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, तो अगर ए से बी में अगर रिलेशन है, ठीक है, एक सेट ए है एक सेट बी है, दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, दोनों अरिक्त नहीं है, तो सॉरी रिक्त नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो अगर ए से बी में अगर रिलेशन है तो ए से बी में रिलेशन ए क्रॉस बी का क्या होगा, एक सबसेट होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी के जितने भी पेयर बनेंगे वे सारे पेयर को हम क्या कह सकते हैं, एक रिलेशन कह सकते हैं। मतलब कि यहां ये जो रिलेशन होगा ए से बी में, ये जो रिलेशन बनेगा ए से बी में, ये ए से बी में रिलेशन क्या होगा, तो इसी में से कोई एक होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मतलब छह में से कोई एक हो सकता है। तो सही मायने में ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वे सबको एक हम रिलेशन बोल सकते हैं, यानी आर जो होगा ये क्या होगा, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। तो ये जो तरीका है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, एक रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वे सारे के सारे को हम एक रिलेशन बोल सकते हैं। ये सब का सब एक रिलेशन है, ये टोटल ए एक के साथ रिलेशन बनाया हुआ है,
ए दो के साथ रिलेशन बना दिया है, बी दो के साथ, बी एक के साथ, सी के साथ, सी दो के साथ, ये सारा का सारा रिलेशन बना हुआ है। लेकिन ए क्रॉस बी के जितने भी संभव सबसेट होंगे वे सारे के सारे एक रिलेशन बोले जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ दिखा दिया है कि रिलेशन यानी आर सबसेट होंगे किसके, तो ए क्रॉस बी के। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन को समझ सकते हैं। मतलब कि जब हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए क्रॉस बी के जितने भी पेयर मिलेंगे उस सबको एक हम रिलेशन बोल सकते हैं, या ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे उस सबको हम रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां हम अगर रिलेशनों के नंबर की बात करें कि टोटल रिलेशन का नंबर कितना होगा, ठीक है, तो संबंधों की कुल संख्या बराबर 2n ए क्रॉस बी, ये होता है। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे उसके नंबर को जब 2m ये जो फॉर्मूला यहां पुट कर देंगे तो ये जो होगा टोटल संबंधों की संख्या को दिखाएगा या बताएगा। क्लियर हुआ? हम लोगों ने संबंध को भी समझ लिया है कि ए क्रॉस बी जो बनेगा और उसके जितने भी सबसेट होंगे, जितने भी सबसेट होंगे वे सारे के सारे एक रिलेशन बोले जाएंगे और उसको दिखा देंगे आर सबसेट ए क्रॉस बी। ठीक है, आर सबसेट बी क्रॉस ए भी हो सकता है, लेकिन फर्क यह है कि यहां बी का ए के साथ है और यहां ए का बी के साथ है। हो गया, तो हम लोगों ने रिलेशन को भी समझ लिया है। अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट चीज होते हैं उसको देख लेते हैं। एक चीज इसमें हम लोगों को पहले जानना पड़ता है डोमेन के बारे में, ठीक है, दूसरा रेंज के बारे में, तीसरा कोडोमेन, इसको बोलते हैं प्रांत या प्रभाव क्षेत्र, इसको बोलेंगे परास या परिसर, इसको बोलते हैं सौप्रांत। ठीक है, अभी ये जानेंगे, बाद में एक और भी पढ़ना है, इमेज होता है, प्री इमेज होता है, प्रतिबिंब या पूर्व प्रतिबिंब, उसको हम लोग जानेंगे। पहले हम डोमेन को समझ लेते हैं। ठीक है, एक सेट ए है, एक सेट ए है, ठीक है, इसमें ए बी सी, एक सेट बी है, इसमें 1 2 3 4। क्लियर हुआ? इसको अगर हम फिगर से समझें, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, इसमें ए बी सी, इसमें 1 2 3 4। और यहां रिलेशन क्या है, ए टू बी है। ठीक है, मतलब ए से बी में रिलेशन है। तो अगर हम मान लेते हैं, वैसे तो अगर देखा जाए ए क्रॉस बी निकाला जाए तो बहुत सारा बनेगा, ए बनाएगा फिर चारों के साथ, बी बनाएगा फिर चारों के साथ, सी बनाएगा चारों के साथ, तो रिलेशन तो बहुत सारा बन जाएगा। यानी यहाँ अगर हम ए क्रॉस बी निकालें तो 3 और ये 4 ये 12, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी टोटल संबंधों की संख्या कितना होगा, तो 2k/12, ये टोटल रिलेशन बनेगा, कुल रिलेशन। लेकिन उतने रिलेशन को अभी हम लोगों को देखना नहीं है, अभी हम लोग बस ये देख लेते हैं कि अगर ए रिलेशन बना रहा है 2 के साथ, बी बना रहा है 3 के साथ और सी बना रहा है 4 के साथ, अभी बस इतना ही, ए 2 के साथ, बी 3 के साथ, सी 4 के साथ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए कॉमा 2, बी कॉमा 3 और सी कॉमा 4, ये रिलेशन। अभी तो हम इतना ही लिख सकते हैं इसके अनुसार, इस फिगर के अनुसार। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं,
अगर हम इस रिलेशन में अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन, ठीक है, तो डोमेन क्या होता है कि जो रिलेशन बनता है उस रिलेशन का जो प्रथम पार्ट होता है, प्रथम घटक होता है, ठीक है, उस प्रथम घटक को ही हम क्या डोमेन का नाम देते हैं, डोमेन। यानी इसमें डोमेन कौन है, तो ए बी सी, इसमें है, इसमें डोमेन कौन है, तो ए बी सी प्रथम पार्ट। जो इसका सेकेंड पार्ट होता है 2 3 4, ये रेंज होता है, ठीक है, 2 3 4। मतलब एक चीज तरीका से अगर ये भी देखा जाए तो जो रिलेशन बना रहा है, जो बना रहा है उसको डोमेन बोलते हैं, और जिसके साथ बना रहा है उसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। और अगर सेट की बात करें, ए बी, सेट ए किसके साथ रिलेशन बना रहा है, बी के साथ, तो बी का जो कुल एलिमेंट होगा, टोटल एलिमेंट, उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। बात समझ में आई, सेट ए से सेट बी में रिलेशन है, तो सेट ए के कुल, सॉरी, सेट ए से सेट बी में रिलेशन है, तो सेट ए का जो एलिमेंट होगा उसको हम डोमेन बोलेंगे, और ये एलिमेंट जिस जिस के साथ बना रहे हैं रिलेशन उसको हम रेंज बोलेंगे, यानी परास या परिसर। और ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है तो बी का जो कुल एलिमेंट होगा उसको हम कोडोमेन बोलेंगे। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इस तरीके से हम क्या एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। फिगर से समझना आसान है। ए बी, ठीक है, ये रिलेशन है। यहां क्या है, रवि, श्याम, राम, बिनोय, ठीक है, और यहां आर है, एस है, ठीक है। उसके बाद बी है और ये ए है। अगर हम यहां रिलेशन बनाएं तो रवि का मैं रिलेशन आर के साथ, श्याम का मैं इसके साथ, मैं फिर इसके साथ, और बिनोय का मैं इसके साथ। यानी यहाँ रिलेशन क्या क्या बन रहा है, तो रिलेशन बन रहा है रवि आर, फिर यहाँ बन रहा है श्याम एस, फिर यहाँ बन रहा है राम आर, फिर यहाँ बन रहा है बिनोय बी। ये हमारा रिलेशन मिला है, ठीक है। अगर हम यहाँ डोमेन की बात करें, ठीक है, किसकी बात, डोमेन की बात, तो डोमेन में हम जानते हैं कि रिलेशन का पहला घटक रवि श्याम राम बिनोय, रवि श्याम राम बिनोय, ये क्या हो गए, ये हो गए डोमेन। ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है तो ए के कुल एलिमेंट क्या हो गए, डोमेन हो गए। रेंज, तो रेंज में क्या देखेंगे कि ये किसके साथ बना रहा है, यानी सेकेंड आर एस आर बी, आर एस आर, दो बार लिखेंगे नहीं, ये हमारा हो गया, ठीक है। और कोडोमेन, कोडोमेन क्या होगा, तो ए का बी के साथ बन रहा है तो सेट, सेट बी, सेट बी के टोटल एलिमेंट, चाहे जिसके साथ बने या ना बने, अब तीन को बना इसके साथ नहीं बना, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है, सबको ले लेना है। तो ये हमारा डोमेन भी क्लियर, रेंज भी क्लियर, और कोडोमेन भी क्लियर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग को बस इतना ही समझना था, कल हम लोग फंक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है।